ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज में ज्योग्राफी देख रहे थे हम लोग और मॉर्निंग में फिलहाल आज हिस्ट्री की क्लास की हुए थे. इट वाज काइंड ऑफ अनयूजुअल थिंग बट कोई बात नहीं. हम लोग क्लाइमेटोलॉजी की क्लास अभी करने वाले हैं और हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे समथिंग रिलेटेड विद प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे. लास्ट क्लास में हालांकि हम लोगों ने एडियाबेटिक लैप्स रेट के बारे में बात किया था और उसके बाद हम लोगों ने कुछ छोटे मोटे टॉपिक जैसे एयर मास और फ्रंट वगैरह के बारे में बात किया हुआ था. प्रेसिपिटेशन को स्टार्ट करते हैं फटाफट. देखेंगे कितने टाइप के प्रेसिपिटेशन होती है, क्या होती है और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग आज देखने वाले हैं और वो है क्लाउड्स के बारे में. तो फटाफट स्टार्ट करते हैं. लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक. बट बिफोर दैट दीज आर अवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर द सम ऑफ द अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब. दीज आर प्रीलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन. तो हमारा जो टॉपिक है उसको सबसे पहले समझने के लिए हमें वाटर साइकिल समझना होगा. वाटर साइकिल में सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पास वाटर कितना है. जैसे आपको पता है 75% ऑफ द अर्थ इज एक्चुअली वाटर. 75% ऑफ अर्थ इज एक्चुअली वाटर. देन व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ वाटर. क्यों हम लोग पानी के लिए बार बार जो होता है हमेशा बोलते रहते हैं कि पानी को जुडिशियस यूज करो, सही यूज करो. 75% है, बिंदास यूज करो. क्यों? एक्चुअली द प्रॉब्लम इज ड्रिंकिंग वाटर आपके पास नहीं है. ड्रिंकिंग वाटर जो है वो बहुत ही कम है, लेस देन 1%. एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम. देयर इज अ ह्यूज पॉपुलेशन विच इज रिक्वायरिंग दिस वाटर बट दे डू नॉट हैव द ड्रिंकिंग वाटर एज फार एज अगर पर पर्सन अगर कैलकुलेट करते हैं तो. इसलिए हमारे लिए प्रॉब्लम पड़ जाती है. तो खैर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वाटर साइकिल के बारे में और जितने भी ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल दैट प्रॉब्लम्स है ये हम लोग इन्वायरमेंट के सेक्शन में डिस्कस करेंगे. सो पहले अगर वाटर के बारे में बात करें तो दिस देयर इज अ कंटीन्यूअस एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन द एटमोस्फियर, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन. यानी कि यहां से एक बात समझ में आती है कि भाई कोई साइकिल वाली बात होने वाली है. यहां पर कुछ प्रोसेस होंगे जैसे इवेपोरेशन होगी, ट्रांसपिरेशन होगी, कंडेंसेशन होगी या प्रेसिपिटेशन होगी. इन सारे टर्म का मतलब भी हम लोग समझेंगे, एक एक करके देखते हैं फटाफट. सबसे पहले इवेपोरेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण. वाष्पीकरण इसमें क्या होती है, मान लेते हैं कि आप घर पे हैं और आपने कोई जो है बर्तन ले रखा है और उसमें जो है मान लेते हैं वाटर आपने बॉयल किया है. पानी को आप गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म करने पे कुछ वाटर जो होती है इवेपोरेट कर जाती है. क्यों इवेपोरेट कर जाती है? बिकॉज इट इज गेटिंग द हीट एम एस डेल्टा टी अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर और उसके बाद से एम डेल्टा एल हो जाता है, यानी कि लेटेंट हीट के थ्रू ये वेपराइज हो जाती है और इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो दिस इज एक्चुअली द लेटेंट हीट. इतनी फिजिक्स तो आप लोग समझ ही गए होंगे अब तक, कितनी बार हम लोग बातें कर ली हैं लेटेंट हीट की. तो इस तरीके से वेपराइजेशन हो जाता है, ये होते हैं इवेपोरेशन. इसके अलावा अब ये इवेपोरेशन दो जगहों पे हो सकता है. एक होता है जो हाउस होल्ड वर्क में होता है, जो घर पे लोग कर रहे होते हैं, चाहे वो गीजर के थ्रू वाटर गर्म कर रहे हो या फिर आप बर्तन मतलब कि गैस पे बल्ब गर्म कर रहे हो या इस तरीके से जब आप गर्म कर रहे होते हैं. इसके अलावा ओशियंस में रेगुलरली इस तरीके का वेपराइजेशन होते रहता है. किस तरीके से हो रहा है, ये हमारी मान लेते हैं कि ओशियन है और इस ओशियन में हमेशा इंसुलेशन आते रह रहा है, इंसुलेशन, और इंसुलेशन के कारण से इसको हमेशा एम एस डेल्टा टी मिल रहा है और अल्टीमेटली ये एम डेल्टा एल के फॉर्मेट में ये अपने आप को वेपराइज कर देगा और इस तरीके से जो वाटर इसमें अवेलेबल है वो वेपराइज होकर के एटमोस्फियर में पहुंच जाएगा. एंड इनफैक्ट दिस वॉज द रीजन वाई द सैलिनिटी इज देयर इन द ओशियन. सैलिनिटी का भी एक रीजन बन जाता है क्योंकि यहां से जो वेपराइजेशन होती है वो फ्रेश वाटर की होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं समटाइम्स डिस्टिल्ड वाटर. तो ये डिस्टिल्ड वाटर भी कई बार कही जाती है. डिस्टिल्ड वाटर का भी यूज किया जाता है अपने जितने भी केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वहां पर डिस्टिल्ड वाटर का ही यूज किया जाता है. खैर छोड़िए, इसका कोई मतलब नहीं है. तो इवेपोरेशन के बारे में आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन जो होती है वो प्लांट्स से होती है. तो जो प्लांट्स हैं वहां पर जो वाटर पत्तों से या फिर ह्यूमन बॉडी से जो निकलती है इसको बोला जाता है ट्रांसपिरेशन. तो इस तरीके से प्लांट में जितनी भी ट्रांसपिरेशन मतलब कि प्लांट में जो वाटर का इवेपोरेशन होता है उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. नेक्स्ट थिंग कंडेंसेशन. कंडेंसेशन का मतलब होता है कि आप वेपराइजेशन जो है पहुंच गई एटमोसफियर में और एटमोसफियर में आपको पता है कि क्लाउड्स है. क्लाउड्स में क्या होता है कि जब वेपर पहुंच जाता है तो इस वेपर के बाद
यहां पर जब बारिश होती है तो वो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है. इस कंडेंसेशन को हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, ये हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड लास्टली प्रेसिपिटेशन हो जाती है. दिस कंडेंसेशन अल्टीमेटली लीड टू प्रेसिपिटेशन. एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेसिपिटेशन एंड कंडेंसेशन. दोनों में एक बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है. एंड दिस डिफरेंस इज बेसिकली केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं आप इसको, चाहे आप इसको फिजिक्स भी बोल सकते हैं. इन दोनों को देखेंगे हम लोग क्या एग्जैक्टली यहाँ पर चीजें हैं. तो सारे टेक्निकल टर्म के बारे में आपको जानकारी हो गई, आगे बढ़ते हैं. द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज डिराइव फ्रॉम द वॉटर बॉडीज थ्रू इवेपोरेशन एंड थ्रू प्लांट ट्रांसपिरेशन. तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है प्लांट से, और इसके अलावा एटमॉस्फेयर से हम लोगों ने देख लिया कि वॉटर बॉडीज जो है वो इवेपोरेशन हो रही है. समटाइम्स इनको हम लोग एक कंबाइंड टर्म के नाम पे इवेपो ट्रांसपिरेशन भी बोल देते हैं. मतलब कि इसको हम लोग देख लेते हैं प्लांट्स प्लस ओशियन प्लस एनिमल बॉडी या ह्यूमन बॉडी जो भी कहते हैं, अल्टीमेटली हम लोग इसको बोल देते हैं कि इवेपो ट्रांसपिरेशन हो रही होगी. तो इस तरीके से हम लोग इवेपो ट्रांसपिरेशन के माध्यम से दोनों टर्म को जोड़ देते हैं, एक ही कर देते हैं. इवेपोरेटेड फॉर्मेट अल्टीमेटली जो होती है वो कंडेंसेशन और अल्टीमेटली क्लाउड्स बना देती है. यहां पर क्या होती है, एक टर्म होती है सैचुरेशन. व्हाट एग्जैक्टली इज दिस सैचुरेशन, हम लोग बात करेंगे जब ह्यूमिडिटी के बारे में, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली ये जो सैचुरेशन है वो क्या होती है, तब आपको ज्यादा अच्छे से जानकारी हो जाएगी. इसके बाद आता है कि इट गिव्स अस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वॉट. इस ये देती है वाटर हमें अलग अलग तरीके से, जैसे सिंस द फॉर्मेट, एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूं ताकि आपको दिखना शुरू हो जाएगा. वन सेकेंड. यस, सिंस द वॉटर अमाउंट ऑफ जो मॉइस्चर इन द एंटायर सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट, द बैलेंस इज रिक्वायर्ड बिटवीन इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. और इस तरीके से एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मेंटेन हो रही होती है. अब इस जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है इसको भी हम लोग फटाफट डिस्कस कर ही लेते हैं क्या चीज है. तो ये बेसिकली वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी, मान लेते हैं कि लैंड है, दिस इज द लैंड जहां पर हमें पानी जो होता है फिल्टर हो जा रहा है, मतलब जमीन के अंदर में चला जा रहा है ग्राउंड वाटर के फॉर्मेट में. और ये ग्राउंड वाटर समटाइम डिस्चार्ज हो जाती है अलग अलग तरीके से, जैसे स्प्रिंग के फॉर्मेट में निकल जाती है, और ये फ्रेश वाटर स्टोरेज के रूप में जैसे होता है ना, जहां से हम भूमिगत पानी निकाल लेते हैं, वो वाली चीज निकल के आ जाती है, और अल्टीमेटली जो होती है ये ओशियन में पहुंच जाती है. इस ओशियन में पहुंचने से पहले कई बार ये स्ट्रीम फ्लो, मतलब नदियों के फॉर्मेट में भी निकल के आता है, सरफेस रन ऑफ के फॉर्मेट में भी निकल के आता है. तो जितनी भी चीजें होती हैं गर्मी पा करके, ये सूर्य की रोशनी पा करके, रेडिएशन पा करके, इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन के माध्यम से अल्टीमेटली बादल बना देती है. बादल बनाने के बाद यहां पर वाटर स्टोरेज इन द एटमॉस्फेयर होता है, और यहां फिर कंडेंसेशन के माध्यम से प्रेसिपिटेशन होती है, और अल्टीमेटली वापस से जो पानी है वाटर है वो वापस से सरफेस पे आ जाता है. तो इस तरीके से पूरी की पूरी साइकिल मेंटेन हो रही होती है. तो आपको एक आइडिया लग गया होगा बेसिकली यहां पर क्या चीज हो रही है. आगे बात करते हैं. आगे अगर देखेंगे तो वाटर वेपर, एक्चुअली यहां पर थोड़ी सी चीजों के बारे में बात किया गया है, दिस इज एक्चुअली फैक्चुअल थोड़ा सा है, तो इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं. तो वाटर वेपर इन द एयर वेरीज फ्रॉम 0 to 4% बाय द वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर, एवरेजिंग अराउंड 2% इन द एटमॉस्फेयर. अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट हाइग्रोमीटर. ये ध्यान रखिएगा कि मॉइस्चर को नापने वाला या वाटर वेपर को नापने वाला जो यंत्र होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम लोग हाइग्रोमीटर कहते हैं. तो ये एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है, तो ध्यान में रखिएगा. वाटर वेपर एक्चुअली एब्जॉर्ब्स रेडिएशन बोथ कमिंग फ्रॉम द इनकमिंग एज वेल एज द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. अब जैसे क्या है कि अभी एक डाउट भी आया हुआ था, उस डाउट को भी मैं हाथों हाथ ले लेता हूं ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी. तो देखिए पहले मैं डाउट बता देता हूं कि क्या डाउट है, और फिर उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो क्वेश्चन ये था कि पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसुलेशन एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. तो एक है इंसुलेशन और दूसरा है वर्सेस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. और दूसरी है जो डाउट है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को समटाइम्स एल्बिडो भी कहते हैं, तो आप यहां पर डाउट मत रखिएगा. दूसरा है कि इंसुलेशन, जो सन रेज आ रही है अर्थ सरफेस पे, दोनों सेम है या कुछ डिफरेंस है. मतलब कि इंसुलेशन और जो सन रेज आ रही है वर्सेस सन रेज. सन रेज का मतलब हो गया, जैसे इन्होंने बोला हुआ है कि अल्ट्रावायलेट रेज है, तो अब देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या चीज है. देखिए यहां पर क्या है, सीन बता देता हूं. जैसे मान लीजिए कि ये हमारी धरती है, दिस इज अर्थ, और यहां पर मान लेते हैं कि हमारी सन है. सन के पास क्या है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, खतरनाक एनर्जी है. क्यों?
क्योंकि इसके पास टेम्परेचर काफी ज्यादा है, टेम्परेचर की वजह से ये लगातार एनर्जी रेडिएट करता है, और जो ये एनर्जी रेडिएट करता है वो अगेन वही हम लोग बात किए थे ना लेमडा के फॉर्मेट में, कि यहां पर अलग अलग रेज रहेगी, जैसे गामा रेज रहेंगी, इसी तरीके से एक्स रे रहेगी, अल्ट्रा वायलेट रे रहेगी, विजिबल रेज रहेंगी, फिर उसके बाद से इंफ्रा रेड रहेगी, फिर माइक्रो रहेगी, फिर रेडियो रहेगी। तो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप की रेज हो जाती हैं, और इन रेज के माध्यम से एनर्जी लगातार निकलती रहती है। लेकिन ये जो एनर्जी आती है अर्थ सरफेस पे वो शॉर्ट वेव होती है, दीज आर शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव का मतलब कि इनके पास इनका लेमडा बहुत कम होता है, ये कम होता है, और इनकी एनर्जी काफी हाई होती है, और इस तरीके से ये अर्थ पे टकरा जाता है। इनको बोलते हैं हम लोग इंसुलेशन जो आ रही है। इस इंसुलेशन में अल्ट्रा वायलेट रेज भी है, इसमें गामा रे भी है, एक्सरे भी, अल्ट्रा वायलेट भी है, ठीक है, तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये सेम है। इसके बाद जो यहां से रेडिएट करती है अर्थ से, टकराने के बाद एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली गई अर्थ के द्वारा, अब एनर्जी ज्यादा बची नहीं है, तो यहां से जो ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो रही है ये होती है शॉर्ट वेव की बजाय अब लॉन्ग वेव में। क्यों लॉन्ग वेव में? क्योंकि एनर्जी इसकी कम हो गई है और इसका जो वेवलेंथ है वो काफी बढ़ गया है, मतलब अब विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, इन सब के फॉर्मेट में अब रेडिएशंस निकलेंगी। और क्यों होंगी? क्योंकि एच सी अपॉन लेमडा, ये होता है एनर्जी का फॉर्मूला। लेमडा अगर ज्यादा रहेगा तो एनर्जी कम रहेगी, और लेमडा यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि लॉन्ग वेव रेडिएशन है, यानी कि इसकी एनर्जी बहुत ही मिनिमम होगी, बहुत ही मिनिमल सी एनर्जी यहाँ पे होगी, कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है अर्थ ने ले लिया है। तो अब आपको डाउट भी क्लियर हो गया होगा और यहां पर चीजें भी आपको क्लियर हो गई। यहां पर क्या चीज है कि वाटर बॉडी एक्चुअली अब्सॉर्ब द रेडिएशन दोनों तरफ से। यहां पर मान लेते हैं कि एटमॉस्फेयर में वाटर बॉडी है और साथ ही साथ में ओशियन में भी आपकी वाटर बॉडी है, तो इस ओशियन से जो ये शॉर्ट वेव आ रही है, जो इंसुलेशन आ रहा है, उसके थ्रू भी ये हीट हो रहा है, और हीट होने के बाद अल्टीमेटली वेपराइज हो रहा है। साथ ही साथ में जब यहां से रेडिएशन निकल रही है, मतलब कि अर्थ के टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जब भी निकल रही है, तो भी एब्जॉर्ब किया जा रहा है इस क्लाउड के माध्यम से, और क्लाउड के माध्यम से मतलब कि अगेन जो वाटर वेपर है उसके माध्यम से। तो इस तरीके से ये दोनों इनकमिंग और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन दोनों ही एब्जॉर्ब करता है, एंड डज इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द अर्थ हीट बजट। एक्चुअली मैं अभी आप लोगों को जब एनवायरमेंट बताऊंगा वहां पे मैं बताऊंगा कि जो वाटर वेपर होता है, दिस इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। इनफैक्ट ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कंपोनेंट वाटर वेपर है, लेकिन ये वाटर वेपर के अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, इसके कारण से ये ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा कराता है। तो हम लोग इसको देखेंगे जब इन्वायरमेंट का सेक्शन देखेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग ये समझ गए हैं कि क्या चीज हो रही है, कैसे हो रही है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट डिसाइड्स द क्वांटिटी ऑफ लेटेंट हीट स्टोर्ड अप इन द एटमॉस्फेयर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। तो आपको एक चीज यहां पर ये समझ में आ गई कि जो भी एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या तो एम एस डेल्टा टी के फॉर्मेट में या फिर एम डेल्टा एल के फॉर्मेट में। हम लोगों ने साइक्लोन अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन ये साइक्लोन एक्चुअली क्या होती है कि जो ये लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दिस इज एक्चुअली द ड्राइविंग फोर्स। ये होती है ड्राइविंग फोर्स किसके लिए? ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए। और ये जो लेटेंट हीट कहां से आ रही है? वाटर वेपर से आ रही है, यानी कि वाटर वेपर इज एक्चुअली द दिस इज द मेन कल्प्रिट बिहाइंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन को और इंटेंस बनाने के लिए यही एक मेन कल्प्रिट है। तो यहां से आपको एक आइडिया लग गया कि जो वाटर वेपर होता है ये क्लाइमेटिक इवेंट्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ में आ गया क्या चीज है? तो देखिए, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हर जगह पर आपका फिजिक्स लग रहा है। तो आप जितने भी फिजिकल लॉज जितने भी हैं, इनफैक्ट अगर आपने बचपन में थर्मोडायनेमिक्स काफी अच्छे से अगर पढ़ा होगा तो आपको ये सारे सेक्शन जितने भी क्लाइमेट के हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। अब देखिए, यहां पर एक चीज तो स्टॉर्म और साइक्लोन्स के बारे में आप समझ ही गए हैं, इसको और डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जब हम लोग मतलब साइक्लोन को डिटेल में डिस्कस ही कर रहे होंगे। तो इस तरीके से यहां पर इनकमिंग और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन दोनों के माध्यम से ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और अदर क्लाइमेटिक इवेंट्स जो होती है वो जन्म ले रही होती हैं। द एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर इफेक्ट इन द ह्यूमन बॉडीज रेट
ऑफ कूलिंग बाय इन्फ्लुएंसिंग द सेंसिबल टेम्परेचर. इस तरीके से खैर वो बना रहा होता है बॉडी का टेम्परेचर भी. ओशन कवरिंग 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस कोल्ड 97% ऑफ द अर्थ वाटर रिजर्व. ओशियन में जो कि 71% ऑफ द वाटर है जहां पर, उसका 97% जो है वो अर्थ मतलब कि ओशियन रिजर्व में ही पड़ा हुआ है. बाकी तो आपके नॉर्मल नदियों में, तालाब में, ग्राउंड वाटर में, प्लांट्स में, इस तरीके से पड़ा हुआ रहता है. इवेपोट्रांसपिरेशन में भी टेकन एज द स्टार्टिंग पॉइंट इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल द ओशियन कंट्रीब्यूट 84% ऑफ द एनुअल टोटल एंड कॉन्टिनेंट 16%. इसको याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है, एग्जाम में कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा. हाँ, ये फैक्ट आप याद रखिएगा, दिस विल हेल्प यू इन मेन्स एग्जामिनेशन. मेन्स में आपको ये फैक्ट कोट करने में आसानी होती है. चलिए है, द हाइएस्ट एनुअल इवेपोरेशन अकर इन द सब ट्रॉपिक ऑफ द वेस्ट नॉर्थ एटलांटिक एंड नॉर्थ पैसिफिक बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ गल्फ स्ट्रीम एंड कुरुशियो करंट एंड इन द ट्रेड विंड जोन ऑफ सदर्न ओशियन. यहाँ पर दो फैक्टर है, एक तो गल्फ स्ट्रीम जो कि अपने आप में ही एक वार्म करंट है, ठीक है, वार्म करंट हो जाती है, और साथ ही साथ ये ट्रॉपिकल एरिया में पड़ जाती है जिसके कारण से भी अगेन यहाँ पर वेपराइजेशन काफी ज्यादा होती है. तो एक आइडिया लग गया ना क्या चीज है. अब जरा आगे बढ़ते हैं, द लैंड मैक्सिमम अकर्स इन द इक्वेटोरियल रीजन बिकॉज ऑफ द हाई इंसुलेशन एंड लग्जरी एंड. तो इसको हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया है, तो आपको वाटर वेपर के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी. आगे बढ़ते हैं, जरा ह्यूमिडिटी के कंसेप्ट को फटाफट डिस्कस कर लेते हैं. ह्यूमिडिटी को हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता, तो दिस इज बेसिकली आर्द्रता, ऐसे ही लिखा जाता है ना. ओके, तो आर्द्रता का मतलब क्या होता है. कई बार आप लोगों ने कहा होगा कि यार बहुत चिपचिपा सा लग रहा है, बॉडी में बहुत ज्यादा चिपचिप सी हो गई है, या फिर एटमॉस्फेयर जैसे ही आप जो होता है बाहर निकलते हैं और जैसे ही सरफेस को एक्सपोज होते हैं आप, तो आप कहते हैं कि यार बाहर में बहुत पानी पानी सा हो रखा है. ये एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं मॉइस्चर, दिस इज एक्चुअली द मॉइस्चर. जैसे अभी क्या है, रेनफॉल का सीजन चल रहा है, इस समय बारिश हो रही है, तो बारिश में जैसे ही आप देखेंगे बाहर तो आपको आपको एक मॉइस्ट मॉइस्ट सी कंडीशन देखने को मिलेगी. या इसके अलावा और आपको मॉइस्चर की और मैं बढ़िया से फील दिला देता हूं, कुछ नहीं करना है, कमरे को जो भी रूम है उसको चारों ओर से बंद कर दीजिए और अंदर रूम के अंदर में एक कूलर चला दीजिए पानी भर के. एक घंटे बाद जब आप आएंगे तो वो कूलर आपको आराम नहीं बल्कि परेशान ज्यादा कर रहा होगा, क्योंकि आप में पसीना बहुत ज्यादा आएगा, स्वेटिंग होगी, मॉइस्चर बहुत ज्यादा आपको फील हो रहा होगा, क्योंकि मॉइस्चर काफी ज्यादा वहां पर बढ़ गया है. मतलब वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं उस रूम के अंदर में वो बहुत ज्यादा बढ़ गए. इसीलिए जितने भी डिजर्ट कूलर होते हैं उनको कहा जाता है कि एक साइड से अगर इनकमिंग आ रही है तो दूसरे साइड से आउटगोइंग बहुत इंपॉर्टेंट है. रूम को क्लोज कभी नहीं रखना चाहिए जब भी कूलर चला रहे हैं. रूम को क्लोज रखना है देन ऑब्वियसली यू हैव टू पुट योर एसी ऑन. चलिए खैर, तो ये ह्यूमिडिटी की फील आ गई होगी आपको कि क्या सीन है ह्यूमिडिटी का. ह्यूमिडिटी जो होती है एक्चुअली वो तीन तरीके से होती है. इसको हम लोग एक काम करते हैं, देख ही लेते हैं. तो रेनफॉल इज अ प्रेसिपिटेशन, इस इज अ फॉर्मेट में होता है, रेन गेज के फॉर्मेट में देखेंगे हम लोग अभी. ह्यूमिडिटी जो होती है दिस इज द डैम्पनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर. इसको हम लोग हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं, अभी हम लोगों ने देखा ही है. अब ये जो ह्यूमिडिटी होती है वो एक्चुअली तीन तरीके से होती है. एक होती है जिसको हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं, दूसरा होता है जिसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं, और तीसरी होती है जिसको हम लोग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोलते हैं. शायद यहां पर लिखा नहीं है, खैर कोई बात नहीं. तीसरी होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. अब देखिए सबसे पहले तो इन लोगों का फॉर्मूला देख लेते हैं. जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ वॉटर वेपर, दिस इज मास ऑफ वॉटर वेपर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ एयर. This is volume of air. अब ये क्या चीज है, मान लेते हैं ये हमारी वो air का एक parcel है. This is air का parcel. Air का parcel मतलब कुछ नहीं, air का एक block है, ठीक है. इसके अंदर में इसका एक volume होगा, अरे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ है ना, ये देखिए cuboid है, और cuboid होने के कारण से इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी, तो ऊंचाई होगी सीधी सी बात है, इसका एक volume होगा. इस volume को आप बहुत आराम से calculate कर लेंगे, LBH, CSAT की क्लास भी तो देख ही रहे होंगे आप लोग. तो LBH ये वॉल्यूम हो रहा होगा, इसके अंदर में वाटर वेपर भी प्रेजेंट होगा. इस वाटर वेपर का आप वेट ले लेंगे, वेट ले लेंगे, कैसे वेट लेंगे, कुछ नहीं करना है, वाटर वेपर के साथ साथ पड़ा हुआ पूरा का पूरा एयर पार्सल का वेट लेंगे माइनस ड्राई पार्सल का
वेट ले लेंगे तो इस तरीके से यहां पर आपको मास ऑफ वाटर वेपर पता चल जाएगा जो कि ग्राम में आएगा। और सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ एयर आपने निकाल के रखा है, दिस इज क्यूबिक मीटर, तो आपको एक यूनिट भी मिल गई इसकी, ग्राम पर मीटर क्यूब, इस तरीके से आप निकाल लेंगे। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, बट एब्सोल्यूट प्रेशर को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर जो होती है वो एक रेफरेंस होता है, रेफरेंस मतलब कि इसको एक रिलेटिव फॉर्मेट में चेक किया जाता है, जिसको कि हम लोग बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, ओशियन का प्रेशर, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, दूसरी जो चीज होती है उसको बोला जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी से पहले एक काम करिए, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को पहले फटाफट आप लोग देख लीजिए। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाई मास ऑफ एयर, ये होती है आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो यहां पर ग्राम में आ जाएगा, सिमिलरली नीचे भी ग्राम, किलोग्राम, जिसमें भी आपको नापना है उसमें आ जाएगा। तो यहां पर क्या है कि एयर का पार्सल है, इस एयर के पार्सल का अपना खुद का कुछ मास होगा, तो बस कुछ नहीं, वाटर वेपर का जो भी आपने निकाला है इसके अलावा डिवाइडेड बाई मास ऑफ एयर कर देंगे आप, तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की। क्लियर हो गया। एज सच देखिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का कुछ खास यूज नहीं होता है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अभी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ध्यान से समझिएगा और लिख लीजिएगा, इट इज द रेशियो ऑफ एयर्स एक्चुअल वाटर वेपर, तो एटमोसफियर में एयर में एक्चुअल वाटर वेपर डिवाइडेड बाई, दिस इज डिवाइडेड बाई क्या चीज, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, दिस इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ये होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला। अब देखिए यहां पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला है वो डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर हो जाता है। ये कैसे होता है, देखिए दिस इज द क्वांटिटी जो कि आपको मेजर करनी ही पड़ेगी और ये एब्सोल्यूट होगा, इसमें कोई इफ बट नहीं है, ये आपको एब्सोल्यूट मिलेगी, लेकिन जो नीचे होगी ये तो पार्सल का है और पार्सल जो है वो एक्सपैंड भी कर सकता है और ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है। अगर मान लीजिए टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो ये एक्सपैंड कर जाएगा और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद एक्सपैंड करने एक्सपैंड जैसे ही करेगा इसकी जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है वो ज्यादा हो जाएगी और ज्यादा होने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसकी कम हो जाएगी, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यानी कि यहां से एक चीज कंफर्म हो जाती है, अब मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, ये समझ में आ गया है, अब इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस मैं आपको समझाता हूं कि कंडेंसेशन प्रोसेस कैसे होती है, दिखा रहा हूं। देखिए मान लेते हैं कि कहीं पर जो एब्सोल्यूट मॉइस्चर है, मॉइस्चर मतलब कि जितना भी वाटर वेपर प्रेजेंट है वो मान लेते हैं कि 40 ग्राम अवेलेबल है, ठीक है, और किसी एक समय मान लेते हैं कि टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री है मान लेते हैं, या 25 डिग्री है मान लेते हैं, 25 डिग्री जो होती है वो टेम्परेचर है, ठीक है, और यहां पर इस 25 डिग्री टेम्परेचर पे जो होल्डिंग वाटर है, मतलब कि जो डिवीजन होगा वो होल्डिंग वाटर जो है मान लेते हैं कि नियर अबाउट जो है वो 100 ग्राम्स है, ठीक है 100 ग्राम, तो इस समय रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो गई, 40 डिवाइडेड बाई 100 यानी 40% जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। टेम्परेचर को एक काम करते हैं, बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को घटाते हैं। सपोज टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज करके 40 डिग्री कर दिया तो एब्सोल्यूट जितनी वैल्यू है वो तो चेंज होगी नहीं, दिस इज अगेन 40 ग्राम, लेकिन जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो तो बढ़ गई, टेम्परेचर को जैसे ही मैंने बढ़ा दिया वैसे ही बढ़ गई है, और बढ़ करके मान लेते हैं कि ये 200 ग्राम्स हो गई है, तो 200 ग्राम के कारण से रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना हो गया, 40 डिवाइडेड बाई 200 यानी कि VA वैल्यू कितनी आ गई, 4/5 20% के नियर अबाउट में आ गई है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखिए घट गई है, पहले 40% थी घट करके 20% हो गई है जैसे ही टेम्परेचर को हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया है। लेकिन अगर मान लेते हैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं, मान लेते 25 पर है तो 15 डिग्री कर देते हैं, तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू थी वो तो अभी भी 40 ग्राम थी, 40 ग्राम अभी भी रहेगा। होल्डिंग कैपेसिटी, तो जो होल्डिंग कैपेसिटी है अब वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया, कम हो जाएगा, और कम होने के कारण जो पहले 100 ग्राम था वो घट करके हो सकता है 50 ग्राम में चला जाए, और जैसे ही 50 ग्राम होगा इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी,
40 डिवाइडेड बाई, यहां पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहां पर देख लीजिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो गई 40 डिवाइडेड बाई 50, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/80, 80% नियर अबाउट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जा रही है, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकल के आई थी उसकी वैल्यू थी 40%, और जैसे ही हम लोगों ने इसके टेम्परेचर को बढ़ा करके 40 डिग्री किया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है घट करके 20% हो गई है, और जैसे ही हम लोगों ने 50 डिग्री कर दिया है रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ करके 80% चली गई है। और आपको पता है कि ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी जैसे ही 100% होगी, वैसे ही जो वाटर वेपर है वो अब कंडेंस करना शुरू कर देगा, और इसको बोलते हैं सैचुरेशन लेवल। कोई भी चीज जब 100% हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन लेवल। कई बार होता है ना, अभी कहते हैं प्रिपरेशन में यार सैचुरेशन आ गया है, सैचुरेशन मतलब अब आप 100% दे रहे हैं, अब आप बढ़ा नहीं पा रहे हैं अपनी तैयारी को। राइटिंग प्रैक्टिस में भी कहा जाता है सैचुरेशन आ गया है हमारा, तो इसका मतलब क्या है 100% आप दे रहे हैं। तो दिस इज एक्चुअली द वाटर वेपर विच इज 100% इन इट्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी वैल्यू, और इसी वजह से इसको हम लोग बोल देते हैं सैचुरेशन। अब इस सैचुरेशन से जैसे ही 100% जो हल्का भी ज्यादा होगा वैसे ये कंडेंस कर जाएगी, और इसलिए इस पॉइंट को, इस सैचुरेशन लेवल को जो टेक्निकल टर्म में बोला जाता है वो बोलाता है ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट क्योंकि इस पॉइंट पे ड्यू में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। हिंदी में इसी को बोलते हैं ओसांक, ये है ओसांक, यानी इस पॉइंट पे ओस बनना, ड्यू बनना शुरू हो जाएगा। तो अब आपको एक फील आ गई होगी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है और इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो यहां पर देख लेते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, समझ ही गए आप लोग। रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेशियो ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एंड द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन इट होल्ड एट दैट टेम्परेचर, ये भी समझ में आ गया। वेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% देन एयर इज सेट टू बी सैचुरेटेड एंड द एयर टेम्परेचर इज एट ड्यू पॉइंट, क्लियर हो गया। चलिए खैर, तो आपको एक ह्यूमिडिटी का ओवरऑल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आई गेस। अब हम लोग देखेंगे क्लाउड के बारे में। अब देखिए क्लाउड के बारे में समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने अभी फिलहाल वेपराइजेशन को समझा है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और इसको जरा क्लाउड बनाना शुरू कर देते हैं। क्लाउड मतलब क्या होता है, क्लाउड इज एक्चुअली द ह्यूमिडिटी, ठीक है, या फिर वाटर वेपर। वाटर वेपर समटाइम्स इसको हम लोग मॉइस्चर भी बोल देते हैं। इसके अलावा गैसेस होती हैं, इसके अलावा बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स जिसको एरोसॉल के भी नाम से आजकल हम लोग बोलना शुरू कर दिए हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो ये होती है बेसिकली पूरा टर्म जिसको कि हम लोगों ने देखा। अब यहां पर देखिए क्लाउड्स के बारे में, आफ्टर ड्यू पॉइंट cooling lead to condensation of the water vapor in the atmosphere, tiny droplets will suspend as cloud, form shape, height, movement, and it's all about the sky condition ki kaisi condition ho rahi hai. Cloud cover is expressed in 8 or octaves bhi isko bolte hain, 8 level pe actually hoti hai. 8 level kya hai abhi hum log thode der mein discuss hi karenge. Cloud is a mass of minute water droplets in a tiny crystal of ice formed by the condensation of the water vapor in the free air at considerable elevation. These are caused mainly by the adiabatic cooling of air below its dew point. अब देखिए इसका क्या मतलब है। हम लोगों ने बात किया हुआ था adiabatic lapse rate के बारे में। adiabatic lapse rate क्यों पढ़ा था, ऐसे ही पढ़ा था? नहीं, समझने के लिए पढ़ा था। देखिए हम लोगों ने adiabatic lapse rate में एक बात ही कही थी कि जैसे ऐसे हम लोग ऊपर जाते हैं height के साथ में, वैसे वैसे temperature जो है वो decrease करता है और साथ ही साथ में pressure भी decrease करता है। टेम्परेचर डिक्रीज करता है क्योंकि ये ट्रोपोस्फियर में है, इसकी रीजन आप लोगों को पता ही, हम लोग शुरू में डिस्कस कर रखे हैं। और प्रेशर डिक्रीज करता है क्योंकि अगेन वही हाइट जो है वो कम हो रही होती है, इस कारण से जो है प्रेशर भी इसका कम होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ऐसे ऊपर जाती है क्लाउड, वैसे वैसे क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट जो है वो क्लाउड फॉर्म करना शुरू कर देते हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाता है क्लाउड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करना शुरू कर देता है। इसलिए सबसे ऊपर जो रहेगा वो बहुत ही एक कॉटन फॉर्मेट में होगा, स्टैगरी फॉर्मेट में होगा, कह सकते हैं एकदम कह लीजिए कि रुई के टाइप का दिख रहा होगा। तो एक आपको केवल और केवल पॉइंट फॉर्मेट में बादल देखने को मिल रहे होंगे क्योंकि इसका वॉल्यूम
काफी ज्यादा एक्सपैंड कर गया है. एंड दिस एक्सपेंशन इज वाई, क्योंकि प्रेशर जो है वो काफी कम होगा. समझ में आ गया क्या चीज है? तो ये बेसिकली लैप्स रेट में हम लोगों ने इसीलिए देखा था क्योंकि हम लोग क्लाउड को डिस्कस करने वाले थे. तो इसको मैं इरेज करता हूं जरा. हाँ, तो एज द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट सम हाइट ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, दे टेक वेरियस शेप एंड दिस शेप इज एक्चुअली द चेंज इन वॉल्यूम विच इज एक्चुअली वर्किंग. दिस इज अकरिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्रेशर. ओके, अकॉर्डिंग टू देयर हाइट एक्सपैंस एंड डेंसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी और ओपेकनेस, क्लाउड जो है वो चार तरीके से डिवाइड किए गए हैं. एक को बोलते हैं सिरस, दूसरा क्यूमुलस, फिर स्ट्रेटस एंड निम्बस. तो ये बेसिकली चार टाइप है, समझिएगा जरा बात को. ये है चार टाइप, जिसमें से जो निम्बस होते हैं, जैसे आप लोगों ने बचपन में एक कहावत टाइप की सुनी होगी कि काले बादल केवल बोलते हैं और भूरे बादल बारिश लाते हैं, है ना? तो ये एक्चुअली काले बादल हैं, ये काले बादल हैं जो केवल और केवल डराते हैं. डराते, ओके, दिस इज डराते, डराते हैं. तो ये वही होते हैं जो दिखाने वाले होते हैं, बरसने वाले नहीं होते. तो जो जो बरसते हैं वो बोलते नहीं, ऐसा कुछ कुछ होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्या बोलते हैं. स्ट्रेटस जो होती है ये एक्चुअली बरसने वाले बादल होते हैं, बरसना. और इनफैक्ट क्यूमुलस खतरनाक बरसना, खतरनाक, खतरनाक मतलब दिस इज एक्चुअली द थंडर स्टॉर्म. ये थंडर स्टॉर्म है. और ये क्या होते हैं? ये एकदम शांत बादल होते हैं, एकदम बेहतरीन शांति से पड़े रहते हैं. तो ये चार टाइप के एक्चुअली बादल होते हैं, फोर टाइप ऑफ क्लाउड्स होते हैं. इनके बारे में अगर देखेंगे तो ये देखिए, आपको पूरा क्लाउड्स का एक आइडिया दिखा रहा है यहाँ पर. सबसे नीचे के लेवल पे जब आप देखेंगे तो सबसे नीचे के लेवल पे होते हैं जो स्ट्रेटस. देख रहे हैं आप लोग, स्ट्रेटस जो होते हैं एकदम स्टैगरी फॉर्मेट में पड़े हुए हैं, इसको बुलाता है स्ट्रेटस क्लाउड्स, जो लंबे लंबे बने होते हैं और आपको देखने को मिल जाते हैं. इसको मैं एक बार इरेज कर रहा हूं ताकि आपको फील आए और देख सकते हैं. स्ट्रेटस कई बार आप लोगों ने देखो, अगर लंबे लंबे बादल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटस. कई बार देखते हैं छोटे छोटे बादल होते हैं और क्लियर स्काई टाइप में रहता है, उसको बोलते हैं क्यूमुलस. ये बारिश बरसने वाले होते हैं. जब ये स्ट्रेटस बरसने वाले मतलब कि बादल के साथ मिल जाते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं निम्बो स्ट्रेटस. जब ये स्ट्रेटस वाले क्लाउड खतरनाक गर्जना वाले बारिश के साथ मिलते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटो क्यूमुलस. और फिर मिडिल लेयर पे आ जाते हैं, उनको बुलाता है स्ट्रेटो मतलब एल्टो स्ट्रेटस या फिर एल्टो क्यूमुलस. ये एक्चुअली क्या होते हैं, ये जो बादल होते हैं ये मिडिल लेवल पे बोले जाते हैं, ये मिडिल लेवल क्लाउड्स होते हैं. और ये जनरली जो होती है 7 to 8 किलोमीटर पे पाए जाते हैं. यहां पर आपका एरोप्लेन उड़ रहा है क्योंकि ये ट्रोपोस्फियर का एंड है. यहां पर इसके ऊपर में सीरो स्ट्रेटस, सीरो क्यूमुलस या फिर सीरस क्लाउड हो जाते हैं. और ये बेसिकली टॉप लेयर के बादल होते हैं. टॉप मतलब कि ये ट्रोपोस्फीयर के एकदम एंड में या फिर कह सकते हैं कि ट्रोपोपॉज में पाए जाते हैं. तो इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन कैटेगरी कर दी गई है क्लाउड्स की. एक है लो क्लाउड, फिर मिडिल क्लाउड, फिर हाई क्लाउड. लो क्लाउड में पांच तरीके का दिखाया गया. वन इज द स्ट्रेटस, क्यूमुलस, निम्बो स्ट्रेटस, क्यूमुलो निम्बस एंड स्ट्रेटो क्यूमुलस. तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि जो निम्बस वाले होते हैं, क्यूमुलस वाले होते हैं, वो थंडर स्टॉर्म लेकर के आते हैं. समझ गए हैं? निम्बो स्ट्रेटस कंटिन्यूअस रेन वाले होते हैं, क्यूमुलस जो डिटैच्ड जनरली डेंस क्लाउड होते हैं, और स्ट्रेटस जो होते हैं वो यूनिफॉर्म बेस के बने होते हैं. तो एक आइडिया लग गया होगा बेसिकली कौन से क्लाउड कैसे हैं. मिडिल क्लाउड जो होते हैं ये होते हैं आपके एल्टो स्ट्रेटस और एल्टो क्यूमुलस के फॉर्मेट में, और ये बेसिकली मिडिल के फॉर्मेट में होते हैं. मतलब ये नॉर्मल रहते हैं, कोई इसमें बारिश वारिश का फंडा नहीं होता है. जैसे मान लीजिए कभी भी आप फ्लाइट वगैरह में जा रहे होंगे तो उस समय जो बादल दिख रहे होते हैं तो वो आपको एल्टस क्लाउड दिख रहे होते हैं. हाई लेवल पे जो होते हैं वो स्ट्रेटस सीरस क्लाउड्स होते हैं. तीन फॉर्मेट में अगेन क्यूमुलस और स्ट्रेटस में हम लोग इसको बांट देते हैं. दिस इज कंपोज्ड ऑफ आइस क्रिस्टल्स एंड दीज आर अप अलॉन्ग बिफोर अदर क्लाउड्स एंड फेड आउट मच लेटर. तो बहुत ही हाइट पे होते हैं ये वाले क्लाउड्स. इनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन किया जाए तो सीरस क्लाउड्स होते हैं, दे आर फॉर्म्ड एट हाई एल्टीट्यूड. They are thin and detached clouds having a feathery appearance होती है. इनकी पंख टाइप की होती है, feathery appearance होती है, generally white in color होते हैं. जबकि वही cumulus cloud जो होते हैं वो cotton wool type के होते हैं. जैसे अभी हम लोगों ने बात किया था ना रुई के टाइप के, तो cotton wool type के होते हैं. They are generally formed at a height of 4 to 7 kilometer. They exist in patches and can be seen scattered here and there. They have a flat base. स्ट्रेटस क्लाउड्स आर लेयर्ड क्लाउड्स कवरिंग लार्ज पोर्शन ऑफ द स्काई. स्ट्रेटस जो होते हैं वो लंबे लंबे दूरियों तक फैले होते हैं. दिस क्लाउड्स आर जनरली फॉर्म्ड ईदर ड्यू टू लॉस ऑफ हीट
और द मिक्सिंग ऑफ द एयर मासेस विद डिफरेंट टेम्परेचर. निम्बस क्लाउड जो होते हैं वही काले बादल होते हैं. काले बादल जो बारिश बिल्कुल नहीं करते हैं, सब खाली दिखाने वाले होते हैं. तो दे फॉर्म एट मिडिल लेयर्स लेवल्स और वेरी नियर टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ. दीज आर एक्सट्रीमली डेंस एंड ओपेक टू रे ऑफ द सन. समटाइम्स द क्लाउड सो लो दैट दे सीम टू टच द ग्राउंड. निम्बस क्लाउड आर शेपलेस मासेस ऑफ द वेरियस थिक वेरी थिक वेपर. चलिए खैर, ये एक्चुअली वो क्लाउड होते हैं जो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आंधी आती है और आंधी आने के तुरंत बाद बारिश होती है. तो जब आंधी आती है तो आपने देखा होगा कि काले काले बादल एकदम छा जाते हैं चारों ओर और बहुत खतरनाक तरीके से बरसते हैं, मतलब कि बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा बरस जाते हैं. ये यही निम्बस क्लाउड ही होते हैं जो ब्लैक ब्लैक टाइप के हो जाते हैं और फिर बरसते एकदम घनघोर वर्षा हो जाती है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए होती है. कई बार देखा होगा कि बारिश घनघोर हो रही है लेकिन बहुत ज्यादा समय के लिए हो रही है, वो होते हैं क्यूमुलस वाले क्लाउड. क्लियर? तो ये थी हमारी आज की पूरी डिस्कशन. अगर आपको कोई डाउट होता है तो इन चैनल्स का यूज करके हम तक रीच आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे बचे हुए पोर्शन की, जो कंडेंसेशन का फॉर्मेट है, जैसे मिस्ट होती है, हेज होती है, फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन के जो टाइप्स होते हैं, फॉग होती है, स्मॉग होती है, सबके बारे में हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच.